वेलकम टू टेक्नोलॉजी मैटर। चलिए आज बात करते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज किस लिए किया जाता है, एक स्ट्रिंग पे किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करने के बाद क्या क्या होता है। PHP से कंप्लीट ट्यूटोरियल्स में हम बिगनर से डेवलपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन सी है। str लेंथ फंक्शन, str रिवर्स फंक्शन, str रिप्लेस फंक्शन, str पोजीशन फंक्शन, str कंपेयर फंक्शन, str लोअर फंक्शन एंड str अपर फंक्शन। तो वन बाई वन मैं इनके एग्जाम्पल देता चल जाऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो string to upper फंक्शन किस लिए यूज करते हैं। सपोज कीजिए यदि आपके पास एक स्मॉल में वर्ड है, एक स्ट्रिंग है स्मॉल में है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है उसको कैपिटल में। इस सिचुएशन में आप स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन का यूज करें। तो स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, str टू अपर, ओके, एंड मैं डॉलर str इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू अपर केस में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल ले लेता हूँ, हेलो, ओके, ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन यूज करता हूँ str टू अपर, ओके। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है मैंने यहाँ पे हेलो सेव कराया था इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ str, ओके, मैंने वेरिएबल इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में, res में सेव करा लेता हूँ, एंड इसको एको करा लेता हूँ, मैं एको करा लेता हूँ डॉलर res सेव, ठीक है, ये हेलो कन्वर्ट हो गया, ये आपका कैपिटल में आ रहा है, अपर केस में आ रहा है, ठीक है। हेलो यहाँ पे लोअर केस में था, ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया स्ट्रिंग टू अपर केस, एंड अपर केस यूज करने के बाद ये कैपिटल में हो गया, मींस कि अपर केस में आ गया। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्ट्रिंग टू अपर का ये मैंने कैसे किस तरीके से यूज किया। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली लोअर केस में, ठीक है, हेलो, और मैंने उसको स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर कराने के बाद मैंने स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन यूज किया, क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टू अपर केस का यूज किया, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने पास करा दिया ये वेरिएबल, और ये वेरिएबल में क्या 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 स्टोर है, इस वेरिएबल में हेलो स्टोर है, तो यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है, हेलो आ गया। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट में स्टोर करा, क्यों कराया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको एको कराना है, ताकि मुझे यहाँ पे शो हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको एको करा लिया है, ठीक है, एको कराने के बाद मुझे यहाँ पे हेलो मिल गया। इस तरीके से आप किसी भी लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू अपर केस। तो स्ट्रिंग टू अपर केस के लिए रियल वेबसाइट एग्जांपल कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अपर केस करने के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ हेलो, यहाँ पे स्मॉल में भी है कैपिटल में है, तो सबमिट कर देते हैं, तो ये कैप्स में आ जाएगा हेलो MPS। इस तरीके से आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ पर आप जाकर इजीली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है।